तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले सभी दर्शकों को बड़े ही बेसब्री से पोपटलाल की शादी का इंतजार है। अब ऐसे में इस शो में एक एपिसोड आया जहां पर पोपटलाल की शादी के बारे में दिखाया गया, लेकिन पोपटलाल की शादी एक बार फिर कैंसिल हो गई है। लेकिन इस बार वजह एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम थैलेसीमिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर थैलेसीमिया होता क्या है। देखिए, दो बार के गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल की शादी कैंसिल हो गई है। जी हां, एक बार फिर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लेटेस्ट ट्रैक पोपटलाल की शादी का है। इस बार सब कुछ बढ़िया जा रहा था और फैंस को भी यही लगने लग गया था कि पोपटलाल फाइनली शादी तो इस बार रचा ही लेंगे, उनको अपनी दुल्हनिया मिल ही जाएगी। माने हमेशा की तरह पोपटलाल तो प्यार में पड़ ही गए थे, होने वाली दुल्हनिया मधुबाला भी पोपटलाल को पसंद कर बैठी थी, लेकिन होई है सोई जो मेकर्स रची रोखा। बस फिर इस बार पोपटलाल की शादी कैंसिल होने की वजह एक मेडिकल कंडीशन बनी। इस कंडीशन का नाम थैलेसीमिया है। तो आपको बता दें कि थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। जी हाँ, और इसी बीमारी को आधार बना करके एक बार फिर से पोपटलाल की शादी को रोक दी गई है। वेल, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस बार फिर से पोपटलाल की शादी रुक गई, इस पर आपका क्या कहना है।